कसरावन नगर से प्रतिवर्ष निकलने वाली सद्भावना कावड़ यात्रा शनिवार को कावड़ यात्री शालीवाहन नर्मदा तट पहुंचे, जहां से मां नर्मदा का जल भरकर आरती कर रवाना हुए। यात्रा का नगर में कई जगहों पर स्वागत रखा गया था, लेकिन गुरुवार शुक्रवार की रात हुए दुर्घटना में 5 लोगों की असमय दर्दनाक मृत्यु हो जाने से यात्रा का नगर में कहीं पर भी स्वागत नहीं किया गया। यात्रा का मार्ग चेंज कर सीधे विजय स्तंभ चौराहे पर पहुंचे, जहां पर 5 युवाओं को श्रद्धांजलि दी गई। रवाना होकर मोठी माता मंदिर पहुंची, जहां पर कावड़ यात्रियों को स्वल्पाहार कराया गया। तत्पश्चात यात्रा ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई। सोमवार 21 अगस्त को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के प्रेरणा स्रोत पप्पू सोनी व मार्गदर्शक रंजित वर्मा ने बताया कि देश प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि, अच्छी वर्षा के साथ अन्नदाता किसान की फसलें अच्छी रहे, ऐसी कामना के साथ सद्भावना कावड़ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा का यह 14वां वर्ष है। 3 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव कोगवा एवं दूसरा रात्रि विश्राम कोठी में होगा। 21 अगस्त सोमवार को यात्रा ओमकारेश्वर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी। यात्रा के विशेष सलाहकार नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर शिरीष जायसवाल, अजय मंडलोई, नवीन बारचे ने कहा कि इन 5 दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। समिति के अनिल पाटीदार, मनोज सोनी, अमित कावाड़, नवीन बारचे आदि भी यात्रा में शामिल हैं। ये कावड़ यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? ये सद्भावना कावड़ यात्रा पिछले 14 साल से सुचारू रूप से अपने मार्ग पर अग्रसर है, और ये इस यात्रा का 14 वर्ष है, और ये यात्रा नगर की और अपने क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, किसान संपन्न हो, ये इसलिए निकाली जा रही है इस बार। और जो ये हमने विजय स्तंभ पे हमारे बीच के एक मित्र, हमारे जो सद्भावना कावड़ यात्रा के सदस्य थे, उनके सुपुत्र का कल देहांत हुआ। इस कारण हम पूरे नगर में मौन रह के निकले और विजय स्तंभ चौराहे पे श्रद्धांजलि दी। जो कल दुर्घटना हुई, जिसमें 5 युवा अपने क्षेत्र के असमय तरीके से चले गए, उनके लिए आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की पूरे सभी कावड़ियों ने। समिति की ओर से हम पूरे समिति की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहते थे, इसलिए मौन रह के निकले हैं इस नगर से। ये यात्रा कितने दिन की है? हम 3 दिन में पहुंचेंगे शाम ओंकारेश्वर। सोमवार पहुंचेंगे हम लोग जल चढ़ा के वापसी। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।